सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है, जिस विच दस्या जा रहा है कि मुड़ तो गुरुद्वारा साहिब दे ताले तोड़न दी कोशिश की गई है। भारी सुरक्षा के बावजूद इत्थे निहंग सिंह पहुंचे ने फेसबुक ते लाइव होके ताले तोड़न दी कोशिश करदे दी ए वीडियो सोशल मीडिया ते सामने आई है, जिस तो बाद एडीजीपी दे वल्लों इस वीडियो दा सारा सच दस्या गया है। ए वीडियो 27 नवंबर दी रात दी दसी जा रही है, जदों गुरपुरब तो पहला धारा 144 लगी हुई सी। भारी सुरक्षा दे विच निहंग सिंह इत्थे आउंदे ने अते गुरुद्वारा साहिब दे ताले तोड़न दी कोशिश करते ने, पर फिर भी पुलिस दे वल्लों इन्हां नूं समझा बुझा के वापस भेज दिता जांदा है ते मुड़ तों गुरुद्वारा साहिब दे दरवाजे नूं ताले लगा दिते जांदे ने। इन्हां निहंग सिंह दा कहना सी कि ओह इस ते कब्जा करन लई नहीं आए, बल्कि ओह इत्थे आराम करना चाहुंदे सन। उन्हां दा किसे वी कब्जे वाले ग्रुप दे नाल कोई राबता नहीं है। गुरपुरब वाले दिन ओह गुरु घर नूं संगतां लई खोलन लिए आए सन। इसे दी ही ए वीडियो है जो सोशल मीडिया ते वायरल हुई है। उधर ही एडीजीपी दा कहना है कि छोटियां घटनावां ने जिन्ना ते टिप्पणी नहीं करना चाहते ने। गुरु घर दी मर्यादा नु पूरी तरह बरकरार रखा गया है अते प्रशासन दा गुरुद्वारा साहिब ते अजे भी कब्जा बरकरार है। उस प्रॉपर्टी जिन्नू अकाल बुंगा दी प्रॉपर्टी मन्या जा रहा है, जिन्नू तुसीं वक्फ बोर्ड दी प्रॉपर्टी भी कह रहे हो, ते जिहदे चों कई सालां तों कब्जे नूं लैण दी, कब्जे नूं छड्डण दी, कब्जा करन दी कोशिशां दोनों ग्रुप्स दे विच चल रहियां ने। मैं इस वेले दावे नाल कहना चाहुंदा कि उस प्रॉपर्टी दे कस्टेडियन इस वेले डिप्टी कमिश्नर कपूरथला ने थ्रू हिज रिसीवर तहसीलदार छोटियां मोटियां शरारतां कोई करदा रहे हुंदियां रहण, मैं उहदे ते बहुती टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा। इस वेले कायदे अनुसार सारे लॉक लगे ने, रिसीवर दे लॉक लगे ने, फोर्स लगी है। गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा जिधर पाठ चल रहे हैं जो सवेरे शाम की रहरास की और सवेरे अमृत वेले की सुखासन प्रकाश सवेर की करन की मर्यादा वो वाजब सिंह कर रहे ने। असी कब्जा एज इट इज़ बरकरार है डिप्टी कमिश्नर की टीम का।